do it, man. I want to get in shape for summer, set these goals and then work towards it. Every fucking day, I'm gonna do it myself. I'm not gonna need any fucking one. I just wanna walk this road alone. I'm gonna make it happen. And then what, you don't believe in me? Just fucking watch me, bitches. नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर जो लिंडर की अचानक हुई मौत ने पूरी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर्स ने 30 साल की जो लिंडर की मौत की वजह एन्यूरिज्म बीमारी को बताया है। कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि स्टेरॉइड्स के प्रयोग से भी ये बीमारी हो सकती है। वजह चाहे जो भी रही हो, पर अचानक से एकदम फिट दिखने वाले इन्फ्लुएंसर्स का एक्सपायर होना कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के खोखलेपन को दिखाता है। 19वीं सेंचुरी के आखिरी में बॉडी बिल्डिंग कल्चर की शुरुआत हुई थी। यूगेन सैंडो ने स्टेज बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग की स्थापना हुई और इसी के साथ मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन की भी शुरुआत हुई। समय के साथ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से कई फेमस स्टार्स जैसे स्टीव रीव्स, अर्नॉल्ड और फ्रैंको कोलम्बो सामने आए। 1980s में अर्नॉल्ड ने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ करी, जिसके बाद बॉडी बिल्डिंग कल्चर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। आज वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं। जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री फेमस होती जा रही थी, वैसे वैसे बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक्स का भी प्रयोग बढ़ता जा रहा था। कई लोग बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का प्रयोग 20वीं सेंचुरी के बीच में मानते हैं। स्टेरॉइड्स मेनली पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। इनका प्रयोग बॉडी बिल्डर्स मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। 1960 से 1970 के दशक में स्टेरॉइड्स का प्रयोग एक आम बात हो गई थी। कुछ समय बाद अर्नॉल्ड जैसे बॉडी बिल्डर्स इस बात को मान चुके थे कि मसल्स गेन के लिए वो एनाबॉलिक्स का प्रयोग करते हैं। During the 1970s period, Arnold confessed that he used steroids. In one of his interview, Arnold Schwarzenegger said, "I have no regrets about it." 1980 के बाद के समय को बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में मास मॉन्स्टर एरा भी कहा जाता है। समय के साथ साथ बढ़ते कंपटीशन में बने रहने के लिए बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे और यहीं से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का ब्लैक फेस शुरू हो जाता है। आज के समय में कुछ फेमस एक्टर्स और बॉडी बिल्डर्स को देखकर हर कोई बॉडी बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इन सब के बीच में जो पीछे रह जा रही है वो है फिटनेस। अगर आपने जिम जाकर अच्छी बॉडी बना ली तो लोग आपको फिट मानते हैं, चाहे इसके लिए आपने जितने भी स्टेरॉइड्स क्यों ना लिए हों और चाहे आपका शरीर अंदर से जितना भी खोखला क्यों ना हो। कुछ फेमस किताबें जैसे कि डेथ, ड्रग्स एंड मसल, द स्टेरॉइड्स बाइबल, बिगर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर और एनाबॉलिक स्टेरॉइड एंड एथलीट स्टेरॉइड के प्रयोग और उनसे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हैं। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हमेशा एनाबॉलिक्स के प्रयोग और उनसे जुड़ी बातों से बचते हैं और कई लोग तो यहाँ तक बोल जाते हैं कि इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। इन लोगों की कमाई इसी इंडस्ट्री पर आधारित है और शायद इसी वजह से ट्रेनर शुरुआत से ही एनाबॉलिक्स के यूज़ को सपोर्ट करते हैं। डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च एनालिसिस के अनुसार एंड्रोजेंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मार्केट की वैल्यू 2021 में 56.45 बिलियन US डॉलर थी, जो कि 2029 तक 131.98 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार स्टेरॉइड्स के प्रयोग से इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड क्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिडनी बेस्ड नेशनल ड्रग एंड अल्कोहल रिसर्च सेंटर के अनुसार अननेचुरल डेथ के सभी कारणों में एक्सीडेंटल ड्रग टॉक्सिसिटी का हिस्सा 62.5% है, जबकि सुसाइड 16.7% है। अगर आपको फिल्में देखना पसंद है और एनाबॉलिक्स के साइड इफेक्ट को भी जानना चाहते हैं तो आपको बिगर स्ट्रॉन्गर फास्टर, इकैरस, द प्राइस ऑफ गोल्ड, द डार्क साइड ऑफ रिंग जैसी फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। फिटनेस इंडस्ट्री से पैसा कमाने वाली कंपनियां सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट की मदद से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि लोगों के लिए फिटनेस का मतलब सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली बॉडी रह जाए, और इस बॉडी को पाने के लिए एनाबॉलिक्स का प्रयोग बहुत ज़रूरी दिखाया जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको ये कुछ फोटोज़ दिखनी चाहिए जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से और बिना एनाबॉलिक्स के प्रयोग से बनाई गई थी। कई फिटनेस एजेंसीज ने मिलकर फिटनेस को समझने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। पहला, एरोबिक फिटनेस। इसमें रनिंग और जॉगिंग को शामिल किया गया है। अगर कोई 25 साल का मेल 1.5 मील की दूरी 11 मिनट में और फीमेल 13 मिनट में दौड़कर पूरा कर लेता है तो उसे एरोबिक फिट कहा जाएगा। दूसरा, मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसमें पुशअप्स को शामिल किया गया है। अगर कोई 25 साल का मेल एक बार में 28 पुशअप्स और फीमेल 20 पुशअप्स कर लेते हैं तो उन्हें पर्याप्त मस्कुलर स्ट्रेंथ वाला माना जाएगा। तीसरा, एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें सिटअप्स को शामिल किया गया है। अगर कोई 25 साल का मेल एक बार में 44 सिटअप्स और फीमेल 39 सिटअप्स कर लेता है तो उसे पर्याप्त एंड्योरेंस वाला माना जाएगा। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इसमें सिट एंड रीच टेस्ट को शामिल किया गया है। अगर कोई 25 साल का मेल 50 सेंटीमीटर और फीमेल 55 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर ले तो उसे फ्लेक्सिबल माना जाएगा। पाँचवां, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट। इसमें बॉडी मास इंडेक्स को शामिल करा गया है। इसमें हाइट, वेट और एज के आधार पर बॉडी टाइप को निर्धारित करा जाता है। 18.5 से 24.9 BMI के व्यक्ति को नॉर्मल वेट बॉडी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में अंतर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।